हम हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में पावर शेयरिंग। तो हम लोगों ने पावर शेयरिंग में दो मॉडल पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। श्रीलंका का मॉडल हम लोग पढ़े थे मेजोरिटेरियनिज्म एंड बेल्जियम का एकोमोडेशन। तो पहले इसके बारे में, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है श्रीलंका के बारे में, इसमें हम लोग को जानना है, ठीक है ना। हमारे 10th के NCERT में जो चीज़ दिया है उसको पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो श्रीलंका में जो हम लोग जानते हैं, श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुई, इमर्ज हुई 1948 में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हो गई। अब वहाँ पे दो कम्युनिटी थे, हमको पता है, एक सिन्हाला कम्युनिटी थे और एक आपका तमिल था। तो सिन्हाला वाले ज़्यादा मेजोरिटी में थे, तो सिन्हाला ने के जो लीडर थे उन्होंने क्या कर लिया, अपना कम्युनिटी बनाया और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट में अपनी मेजोरिटी कर ली। अब उसके कारण जब सिन्हाला वाले लोगों ने 1956 में एक एक्ट पास किया और उसने वहाँ पे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया एक एक्ट पास करके इन 1956। द एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहा, और तमिल को उन लोगों ने डिसरिगार्ड कर दिया, उसको उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा, ठीक है ना। अब इस कारण क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज्म वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगे और उसको फैलाने लगे। अब बुद्धिज्म क्यों फैलाने लगे, क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी, आपको मैंने बताया था कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है ना। अब इसके कारण जो भी प्रॉब्लम आने लगी, किस चीज़ों के बीच में प्रॉब्लम आने लगी, कम्युनिटीज़ में, कौन कौन कम्युनिटीज़ में, सिन्हाला कम्युनिटीज़ और हमारा जो तमिल कम्युनिटी के बीच में क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब देखो इसके कारण, एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्या होने लगा, उनके बीच में स्ट्रेन आने लगा। अब श्रीलंका तमिल ने क्या किया, श्रीलंकन तमिल ने भी लॉन्च किया, एक पार्टीज वगैरह लॉन्च किया और स्ट्रगल मूवमेंट्स वहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब देखो उनके डिमांड भी होने लगे कि श्रीलंकन तमिल के कि हमें ऑटोनॉमी दे, हमारा अलग, ये चीज़ें होने लगे, लेकिन वो क्या करने लगे, उनको डिनाई करने लगे सिन्हाला कम्युनिटी वाले ने। तो जिसके कारण एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उनके बीच में एक बहुत बड़ा सिविल वार हो गया, जिसमें सिविल वार वहाँ पे श्रीलंका में एक सिविल वार हो गया, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म अप्रोच अपनाया, उसमें क्या हुआ हमारे लिए, वो दैट इज़ अ नेगेटिव अप्रोच, जिसके कारण क्या हो गया, सिविल वार हो गया। अब सिविल वार के कारण लाखों कैजुअलिटीज़ हुई, काफ़ी लोग मरे, ठीक है ना, सिविल वार के कारण। और उसके बाद जो श्रीलंका का जो सोशल इकोनॉमिकल जो लाइफ था वो टेरेबल सेटबैक हो गया, काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया, ठीक है ना। तो सिविल वार के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया। लेकिन जो बेल्जियम, जो हम लोग पीछे क्लासेस में पढ़े बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम ने कौन सा अप्रोच अपनाया, एकोमोडेशन, मैंने बताया था बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम ने क्या किया, उन्होंने देखा कि वहाँ पे दो तरह के रीजनल डिफरेंसेस हो रहा है और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है होने के कारण, उन्होंने 1970 से 1993 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग चार टाइम अमेंड किया, ठीक है ना। और चार टाइम अमेंड करने के बाद उन्होंने क्या किया कि सारे पावर जो पावर दिए वो सबको इक्वली बांटा। अब कैसे कैसे बांटा वो अब अभी हम लोगों को देखने हैं उन चीज़ों को। तो सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल, बेल्जियन मॉडल के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब डेट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच। देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया, जितने डच स्पीकिंग थे और जितने फ्रेंच स्पीकिंग थे सबको इक्वल, ये नहीं देखा कि कौन मेजोरिटी में है कौन माइनॉरिटीज़ में, सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कुछ स्पेशल लॉ भी बनाए जो कि सपोर्ट करते थे मेजोरिटी और सभी लोगों को, इक्वल लिंग्विस्टिक ग्रुप को, सभी को उन्होंने सपोर्ट भी करते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे देयर इज़ नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, मतलब कोई भी कम्युनिटी कोई भी डिसीजन सिंगल कम्युनिटी ले नहीं सकता था। अब ध्यान दीजिए, मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है ना, बहुत सारे पावर किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया, वहाँ भी क्या किया गया, वहीं भी वहीं दोनों रीजन्स को रखा गया कि इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया गया किसके किसके बीच में, आपके डच में और फ्रेंच स्पीकिंग में दिया गया। और एक जो मेन पॉइंट इसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं बनाएगा, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली है पॉइंट है, नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब जस्ट अपोजिट केस था, वहाँ के जो बेल्जियम के जो कैपिटल था वहाँ का, तो अपोजिट केस था, वहाँ ब्रुसेल्स में क्या था, एक सेपरेट, वहाँ भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना। अब वहाँ भी देखिए ब्रुसेल्स में क्या था, देखिए जैसे डच, पूरे बेल्जियम में डच का ज़्यादा मेजोरिटी था लेकिन ब्रुसेल में फ्रेंच का मेजोरिटी था, लेकिन वहाँ भी क्या किया गया, वहाँ भी इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, फ्रेंच और उसमें भी डच के बीच में भी इक्वल इक्वल आपको क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये देखिए जब दोनों जगह, जैसे मान लीजिए आपने ब्रुसेल्स में भी और आपको पूरे के पूरे बेल्जियम में भी, जब दोनों जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों को मिल गया, तो उन दोनों ने क्या किया कि दोनों ने ये अप्रोच को अपना लिया, ठीक है ना, क्योंकि उन दोनों के लिए सही हुआ, क्योंकि आपको पता है कि तराजू के जो तोले पे दोनों साइड इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ने इस अप्रोच को मनाया, अपना लिया, और जिसके कारण क्या हो गया, हमारा ये जो मॉडल हुआ, जो बेल्जियम का एकोमोडेशन मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा और भी देशों को इससे सीखनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा इस मॉडल में एक और चीज़ें थी, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देखिए मैंने बताया कि यहाँ दो गवर्नमेंट थे, एक आपका सेंट्रल एंड स्टेट, लेकिन एक और गवर्नमेंट आई, देर इज़ अनदर गवर्नमेंट दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट, अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था, वो क्या करती थी, वो जैसे जो भी वहाँ पे, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग जो भी, एक जर्मन भी थे मैंने बताया था 1%, वहाँ पे भी उन सब के लिए कम्युनिटी, वहाँ लैंग्वेज के ऊपर काम करती थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड क्या, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ये गवर्नमेंट जो काम करता था, कि क्या काम करता था, कौन कौन चीज़ में, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे ये काम करती थी, कौन सी गवर्नमेंट, हमारा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। तो तीन तरह के गवर्नमेंट हुआ, ये तो ऐसे देखने में तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ये काफ़ी अच्छा अप्रोच था, कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब देखिए वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल, सबसे बड़ी बात आती है कि भाई पावर शेयरिंग होनी कैसे चाहिए, ठीक है ना, डिजायरेबल क्यों है। हम जानते हैं टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन, इसके लिए दो डिफरेंट रीजन है, एक आपका प्रूडेंशियल रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, एक प्रूडेंशियल मतलब स्ट्रेस, क्या शेयरिंग मतलब, देखो जैसे कि पावर शेयरिंग से रिजल्ट जो आता है वो बेटर रिजल्ट आ रहा है, बेटर आउटकम आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को पावर शेयरिंग, ये दैट इज़ द प्रूडेंशियल रीजन। एंड मोरल रीजन क्या है, ये मोरल रीजन यानी मोरल वैल्यू है कि भाई पावर शेयरिंग सबके लिए होनी चाहिए, सबको होना चाहिए। तो दो चीज़ें हो गई, एक प्रूडेंशियल यानी स्ट्रॉन्ग रीजन, और दूसरा मोरल रीजन। मोरल रीजन ये कि सारे लोगों को पावर इक्वल इक्वल हमारा होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, और ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन के बारे में। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज़ ए गुड, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, देखो पावर शेयरिंग आपका क्या है, ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उसको रिड्यूस करने के लिए काम आता है। और ये जो है, ये जितने भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसके कारण वायलेंस होता है या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है या जो भी आता है, उस चीज़ों को वो क्या करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, कौन, पावर शेयरिंग, ठीक है ना। और इसके कारण हमारा जो जिसके कारण पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीके से हमारे लिए काम करता है, तो इसीलिए डैट इज़ द स्ट्रॉन्ग रीजन, जो कि हमारे लिए, अगर पावर शेयरिंग ना हो तो दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो डैट इज़ द पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन यानी स्ट्रॉन्ग रीजन। और मोरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग आप जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे जो भी है, जो भी हमारे लिए, जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो किसके लिए काम करती है, हम पीपल के लिए काम करती है। तो मोरल रीजन ये होनी चाहिए कि किसी एक बंदे के पास पावर नहीं होनी चाहिए, यानी पावर शेयरिंग क्या होना चाहिए, हम सारे लोगों में होनी चाहिए। इसीलिए डेमोक्रेटिक अगर कंट्री है तो उसमें पावर क्या होना चाहिए, सभी के हाथों में होनी चाहिए, पीपल को क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, कंसल्ट होना चाहिए कि वो किस तरह से गवर्न करने, यानी पीपल गवर्न करना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट होगा वो आपको क्या करेगा, यानी सिटीजन उसमें क्या
करेंगे, एक्वायर करेंगे, काम करेंगे, सिटीजन ही पार्टिसिपेशन करेंगे गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट में जो भी है, दैट इज द मोरल रीजन। और एक हमने पढ़ा प्रूडेंशियल रीजन। अब ध्यान देने वाली बात यह है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का फॉर्म बात करते हैं, तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये आइडियाज पहले ध्यान देना है कि ये आइडिया पावर शेयरिंग का आया कैसे। शुरुआत में पावर का सेंट्रलाइजेशन होता था, पावर एक ही जगह होता था, बट अब क्या हो गया, धीरे धीरे बाद में देखा गया कि जितने ज़्यादा गवर्नमेंट, पहले देखिए वन, अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक बंदे के हाथ में अगर पावर रहता था तो क्या होता था, वो जल्दी क्विक डिसीजन के लिए सही होता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में आफ्टर डेट देखा गया कि इनिशियली हम लोग देखते थे कि जब एक बंदे के हाथ में है तो डिसीजन जल्दी आता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखा गया कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती गई और डेमोक्रेसी आते गई तो हम लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्यों चीज़ें हो रही है, ठीक है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी डेट पीपल आर सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर, यानी पीपल ही इसका होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे लिए नेशन के लिए हम लोगों ने डेमोक्रेसी जरूरी है और डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक है ना। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इन गिवन डाइवर्स ग्रुप, और देखिए अलग अलग तरह के सोसाइटी के पास, अलग अलग तरह के चीज़ों के पास अलग अलग पॉइंट्स होना चाहिए, और जिसके कारण सभी को इक्वल कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट एक अलग तरह से काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करे और चीज़ें अलग अलग काम करे, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को, अब मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। जैसे पावर को हम लोग जैसे मान लीजिए डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेन ऑफ इंडिया में ही मान लीजिए, देखिए एक चीज़ जब मैं बताता हूँ, जैसे इंडिया में हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, कैसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की बात करता हूँ मैं। इंडिया में हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों एक ही इक्वल बैलेंस है, पावर का तीनों में किसी का पावर ज़्यादा नहीं है। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करे और जुडिशरी उन सब के ऊपर इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हो गई। उसके ऊपर देखिए ध्यान दीजिए वाली बातें हैं यहाँ पे के, अब एक है वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर हमारे इंडिया में ही देख लीजिए, सबसे निचले स्तर पर होता है लोकल गवर्नमेंट एंड देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट और फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दैट इज द वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है ना। अब पावर के लिए अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे रिलीजन में और लिंग्विस्टिक ग्रुप में किस तरह से पावर का शेयरिंग हुआ है। देखिए बहुत सारे कंट्री, जैसे हमारा ही कंट्री ले लीजिए, इसमें क्या हुआ, वोमेन के लिए या वीकर सेक्शन जो भी हैं, सोशल वीकर सेक्शन है, जैसे आपको पता है एससी एसटी के लिए या किसी चीज़ के लिए क्या हुआ है कि हमारे लिए सीट आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। तो इस चीज़ के लिए क्योंकि जो भी वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनको क्या मिले, उनको पावर का पावर हर एक को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए इन द मतलब हमारे कंट्री में इस तरह का हुआ है। दिस टाइप ऑफ एरोगेंट, इस तरह का एरोगेंट्स के कारण हमारा क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में हर एक जो भी मतलब जो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो उस जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें हो गई। और ये इवन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी ये चीज़ें काम करता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी पावर शेयरिंग के लिए इसमें बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग के लिए हम लोगों को देखना है और भी चीज़ों में पावर शेयरिंग किस तरह से काम करता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, प्रेशर ग्रुप में, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ में भी पावर शेयरिंग का कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, उस चीज़ को बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो क्या है, ध्यान दीजिए, इन अ डेमोक्रेसी, देखिए ध्यान से देने की बात है, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव अ फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस, देखिए पावर को चूज करने का सिटीजन के पास पावर है। तो देखिए जैसे बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन क्या करती है या डिफरेंट आइडियोलॉजी देती है, वो किस चीज़ पे देती है, वो अपना पावर शेयरिंग करती है कि कोई एक बंदा इक्वली सारे पावर ना रहें उनके में भी, यानी पॉलिटिकल पार्टी में भी क्या होता है, पावर शेयरिंग जरूरी होता है। इसी तरह से हमारे पास मतलब जिस तरह से पावर शेयरिंग का एलोकेशन होता है बहुत सारे पार्टी में, आप देखिए मान लीजिए हमारा गवर्नमेंट अलायंस गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है जैसे महाराष्ट्र में, तो उसमें क्या होता है या किसी भी जगह पे जहाँ भी गवर्नमेंट इस तरह का गवर्नमेंट बनता है तो क्या करता है, वहाँ पे भी अलायंस गवर्नमेंट में पावर का क्या होता है, शेयरिंग होता है कि किसी एक पार्टीज़ के पास पावर न चला जाए गवर्नमेंट में भी। जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो इस तरह से बनता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा पावर शेयरिंग बहुत तरह से काम करता है। इसके अलावा ठीक है ना, कॉलेशन गवर्नमेंट में हमने बताया, ठीक है ना, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज
ट्रेडर्स भी, बिजनेसमैन भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, फार्मर्स भी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी, क्या होता है ये सब भी पावर, मतलब हमारे लिए डेमोक्रेसी में ये सब भी इनका भी इन्फ्लुएंस्ड होता है चीज़ों के ऊपर। तो ये मैं आपको बताया कि ये किस तरह से कि पावर शेयरिंग का इन्फ्लुएंस्ड होता है, कैसे कैसे हमने दो मॉडल जाना, एक हमने श्रीलंका वाला मॉडल बना जाना जो कि मेजोरिटीज़म वाला था, जो कि दैट इज़ अ नेगेटिव अप्रोच, और हमने एक और मॉडल जाना कौन सा, बेल्जियम का एकोमोडेशन अप्रोच, जो कि काफ़ी अच्छा अप्रोच था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी आपको क्लास टेंथ का हमने जो पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा। इसके PDF के लिए आप लोग अब इंस्टीट्यूट के ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होगा पूरा इसका PDF, ठीक है ना। और अगले क्लासेस में हम लोग आई विल ट्राई कि हम लोग अगला जो चैप्टर है आई थिंक आपका फेडरलिज्म वगैरह वो हम लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं दीपक कुमार, थैंक यू। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।